नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़, किसान मित्रों। सर्दी का समय चल रहा है पर ये जो मौसम है आपके सामने देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली बारिश जैसा मौसम लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारा धुंध है, बहुत मौसम बिगड़ गया है, बहुत बेकार मौसम है। और ये जो मौसम है हमारी फसलों के लिए देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल है। कुछ फसलों में फायदा हो रहा है पर मैक्सिमम फसलों में इससे नुकसान हो रहा है। आप आपके सामने देख सकते हैं लगभग दिन में 3:30 बजे का समय हो रहा है और आज है 3 दिसंबर और किसान मतलब ये कंडीशन है दिन में 3:30 बजे। आप देखिए अब कितना सारा कोहरा है, जो हमारा मौसम है, जो हमारा हवा है उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा है। सुबह में भी जो है हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी रियान के अंदर और अभी भी माहौल जो है पूरा ऐसा ही बना हुआ है जैसे कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों ये देखिए आप, अभी दिन में भी बहुत कोहरा है, बहुत हेवी कोहरा कह सकते हैं हम, और ये मौसम जो है ये सूटेबल नहीं है देखा जाए तो। अब मसूर की फसल की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, इधर लहसुन की भी देख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ किसान मित्रों के सवाल हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ आएगी और कौन कौन से लहसुन के अंदर अभी हम स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें डिस्कस करनी है। तो दोस्तों मेनली बीमारियों की बात कर लेते हैं तो सभी फसलों के अंदर यहाँ से बीमारियाँ आ सकती हैं क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है। जितनी भी फंगस जनित बीमारियाँ हैं वो यहाँ से बहुत तेज़ गति से अब आने वाली हैं। पीलापन भी आएगा, पीलापन जो है नॉर्मल है, अब यहाँ से आएगा ही आएगा। जिसके यहाँ पर एक दो बार बारिश लगातार हो चुकी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, खेत की क्यारियाँ जो है वो पानी से फुल कंप्लीट भर चुकी थी और उसके बाद में अभी तक मौसम बिल्कुल खुला ही नहीं है। अगर ये मौसम इसी प्रकार से बना रहा है, यहाँ से 3-4 दिन और मौसम नहीं खुलता है तो हमारी लहसुन की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ से पड़ने वाला है। उसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और जो पानी है, पानी भी अगर हमारी लहसुन के अंदर लगातार भरा हुआ रहता है तो एक समस्या आती है किसान मित्रों कि जो हमारे पौधे होते हैं वो पतले पड़ने शुरू हो जाते हैं, वैसी ग्रोथ नहीं रहती है, पौधा जो है वो ऑटोमेटिकली हाइट ले लेता है और धूप नहीं मिलती तो पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाता, भोजन नहीं बना पाता तो उसकी ग्रोथ जो है वो सामान्य से कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये थोड़ी बड़ी समस्या है और लहसुन के अंदर धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खेत का सूखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ किसान मित्रों का सवाल ये है कि मैंने पिछले पुराने कुछ वीडियोज़ डाल रखे हैं पर उनमें वो किसान मित्र पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी लहसुन अभी गीली है, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है तो आप खेत के अंदर पानी ना छोड़ें। पानी आप छोड़ेंगे तो नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वापस से अगर बारिश हो जाएगी तो आपकी लहसुन को सूखने में 20 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है। अगर 20 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा तो नीचे हमारी जो पौधों के अंदर जो जड़ें हैं वो गलन शुरू हो जाएगा, पत्तों के ऊपर में फंगस आना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों मैंने इस कंप्लीट वीडियो अलग अलग बीमारियों के ऊपर डाल रखे हैं और नहीं है तो मैं डाल दूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ऊटी की बात कर लेते हैं। ऊटी के जो किसान हैं जिन्होंने अर्ली वाली ऊटी लगा रखी है उनके यहाँ पर झुलसा रोग की समस्या ऐसे मौसम में बहुत तेज गति से बढ़ती है और बहुत तेज गति से बढ़ भी रही है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग से झुलसा रोग के ऊपर कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, कौन सा स्प्रे कितनी मात्रा में कौन से टेक्निकल का करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट में उपलब्ध है वो मैंने डाल दिया है। आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और कुछ किसान मित्रों का देखा जाए तो अभी यहाँ से हमारे खेत के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू है जिसे हम काली मस्सी कहते हैं उसका भी प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि ये जो मौसम है सबसे सूटेबल मौसम है, पत्ते हमारे गीले के गीले रहते हैं और फफून जो है, जो फंगस जो है उसके पनपने के लिए बहुत शानदार बहुत बढ़िया मौसम ये होता है। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो सीवीड जो समुद्री शैवाल से समुद्री घास से बनी हुई जो ग्रेन्यूल जो आता है जैसे कि हमने आपको बताया था और उसके ऊपर कंप्लीट चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी जैसे कि बायोबिटा, ह्यूमिसील जी, सागरिका वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, वो ऐसे मौसम में बहुत बढ़िया से काम करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्दी के मौसम में जब हमारा धूप नहीं निकलता है तो उस समय पर जो सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो एक प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं जो पौधे से निकाले हुए होते हैं, जो समुद्र की गहराई के अंदर, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर जो पौधे होते हैं उन वो खुद से एक अपने अंदर एक हार्मोन डेवलप कर लेते हैं, वही जो प्लांट हार्मोन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हजारों फीट गहराई में समुद्र के अंदर धूप नहीं जा पाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है तो पौधे जो है वो खुद से अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित कर लेते हैं कि वो बिना धूप के भी भोजन बना पाए। तो इसीलिए लहसुन के अंदर और कंदवर्गीय फसलों के अंदर जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो इसीलिए मैंने आपको उस समय पर बायोबिटा डालने के लिए सजेशन दिया था और आप उस बात को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों और बात करते हैं माइकोराइजा की, तो किसान मित्र माइकोराइजा के बारे में भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि भैया माइकोराइजा किसके साथ में डालना चाहिए, किसके साथ में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, माइकोराइजा अगर आप डाल रहे हैं तो साथ में कोई भी फंगिसाइड नहीं होना चाहिए, चाहे वो सल्फर भी एज अ फंगिसाइड एक्ट करता है, सल्फर भी साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब पाउडर वाला तो एटलीस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो माइकोराइजा के साथ में कोई भी फंगिसाइड नहीं चलेगा केमिकल वाला। तो आप कोशिश करिए कि साथ में जब आप माइकोराइजा डालें तो उसके माइकोराइजा डालने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में आप कोई भी फंगिसाइड उपयोग करें तो 15 दिन पहले करें और 15 दिन बाद में करें, मतलब 30 दिन का गैप एटलीस्ट होना ही चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, बेटर रिजल्ट के लिए अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन का समय आप दीजिए। दोस्तों एक किसान मित्र का और पूछना है किसान मित्रों की, क्या हमने खेत के अंदर माइकोराइजा डाला है तो क्या हम सिस्टमेटिक फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के अंदर? तो दोस्तों आप बिल्कुल स्प्रे कर सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आप हम स्प्रे नहीं करेंगे तो पौधों के अंदर काली मस्सी वगैरह या डाउनी मिल्ड्यू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो उसकी समस्या आएगी, पर्पल ब्लॉच भी आएगा और अन्य फंगस जितने भी होते हैं इस समय पर इस मौसम में बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो आप स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपने जड़ से माइकोराइजा दिया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप जड़ से देना चाहते हैं कोई फंगिसाइड तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी फंगस जनित बीमारियां हैं जो यहां से आ सकती है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बता देता हूं, यहां से जितनी भी फंगस जनित बीमारियां हैं चाहे वो जड़ के अंदर हों, जड़ के अंदर भी फंगस लगेंगे, जड़ गलन होगी, और पत्तों के अंदर भी फंगस वाली जो बीमारियाँ हैं यहाँ से आने वाली हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो है पूरा मौसम जो है वो सबसे ख़राब मौसम कह सकते हैं, पूरा मौसम के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, और ये जो नमी है ये हमारे पत्तों के ऊपर लगातार पानी जो है वो लग रहा है, मतलब पत्ते जो हैं वो सूख नहीं रहे हैं, अगर नहीं सूख रहे हैं तो उसके ऊपर फंगस 100% जो है वो पनपेगा। वो फंगस जो है हमने जो खेतों के अंदर जो निंदाई करी थी, जो हमने चारा वगैरह जो खेत के अंदर बीच में कहीं पर छोड़ रखा है, या फिर हमने कोई खरपतवार नाशक डाला है, खरपतवार नाशक डाला है तो उसके बाद में जो पौधे सूख रहे हैं उसके ऊपर फंगस आ रहा है, वही फंगस जो है वो हमारे लहसुन के पत्तों के ऊपर जमने वाला है और वही फंगस जो है वो नुकसान हमारा करने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए आप स्प्रे प्लान कर सकते हैं, स्प्रे अगर आप करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। कुछ किसान मित्रों का ये पूछना है कि भैया क्या ऐसे मौसम में हम स्प्रे कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी देखा जाए तो नमी बहुत ज़्यादा है, खेत में चलना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, मतलब अगर चलेंगे मन मार के चलें तो वो बात अलग है, पर अभी खेत के अंदर चलना थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी चिपकेगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप स्प्रे ट्रैक्टर वाले से करना चाहते हैं तब भी आप चल नहीं पाएंगे, अगर आप टंकी वाले से करना चाहते हैं तब भी आप चल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मौसम खुलने दीजिए और खुलते ही बिना किसी लापरवाही के आप तुरंत स्प्रे करिए। अगर हम स्प्रे करना चाहेंगे तो कौन सा स्प्रे करना चाहिए, ये भी एक सवाल आएगा। तो दोस्तों अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है आप वो उपयोग करिए, आप कोई भी ले सकते हैं, बेसिक से शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हायर वाला वो आप उपयोग कर लो, बिल्कुल बेसिक, मतलब होता क्या है जीरो से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम हायर वाला टेक्निकल यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उससे थोड़ा और बड़ा वाला करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूंगा, पर आपको इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक का जो टारगेट है वो पूरा करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर कंप्लीट सेपरेट वीडियो, बेसिक से इंसेक्टिसाइड कौन से रहेंगे, बेसिक से अपर की साइड में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर 2000 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक के बीच में क्या फ़र्क है, कौन कौन से सिस्टमेटिक होते हैं, कौन कौन से जो है कॉन्टैक्ट होते हैं, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर वीडियोस में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, उस प्रकार से आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ के इस वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर करिएगा। अभी हो क्या रहा है कि मेरे पास दिन भर में 200-250 फ़ोन आते हैं, उसमें से कुछ किसान तो ऐसे होते हैं भैया मेरे फ़ोन का आप जवाब नहीं दे रहे हो, मैं आज के वीडियो देखना आज से बंद। भैया आप थोड़ा सा समझिए, मैंने सारी चीज़ें जो है वो YouTube पर डाल दी है, अगर आप वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं मैं किस किस किसान को 1-to-1 जवाब दूंगा, आप थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। मेरे को खेती भी करना है, जॉब भी करना है और आपको YouTube पर जानकारी देना है, और एक अलग से एक एडिशनल काम हो गया है कि आपके फ़ोन रिसीव करके आपका WhatsApp का जवाब भी देना है, आपका फ़ोन पे आपको 10-15 मिनट बात भी करनी है। हर किसान को 10 से 15 मिनट फ़ोन पर देना भैया मेरे लिए संभव नहीं है। एक दो किसान तो ऐसे भड़क जाते हैं जैसे कि मेरी उनके प्रति कोई जॉब है, सैलरी मिल रही है मुझे ये सब करने की, तो भैया वो चीज़ संभव नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या है मैंने वीडियो नहीं डाला है तभी आप मुझे फ़ोन करिए,
और उतनी ही बात करिए जितनी आपको ज़रूरत है। मैं आपको ये तो नहीं बोल पाऊँगा उस समय पे कि भैया आप फ़ोन काटिए, अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़ा सा आप मेरी प्रॉब्लम समझते हुए थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखिए। दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा कॉपरेशन चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक आप ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों एक और चीज़, अब यहाँ से बेसिक से इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो बिल्कुल बेसिक वाला आप उपयोग कर सकते हैं, कीड़े तो नहीं आएंगे, पर आप कोशिश करिए सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो उपयोग करें। अगर आप चाहें तो सिस्टमेटिक कॉन्टेक्ट में UPL का लांसर गोल्ड एमिडाएसिपेट वाला जो कॉम्बिनेशन आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं, वो बेसिक सा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रोफेनोसाइफर वाला भी कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी ठीक है। और भी अलग आप थायमेथोक्सोम ले सकते हैं, इसके अलावा आप और भी जो दूसरे हैं सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, पर ध्यान रहे आप जैसे कि पिप्रोनिल प्लस एमिडा 40 वाला उपयोग ना करें। काफ़ी सारे किसान मित्र मुझे फोटोज़ भेजते हैं, भैया ये उपयोग कर लो क्या, तो भैया मैं आपसे यही कहूँगा कि वो बहुत हायर टेक्निकल है, आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप उपयोग ना करें। दोस्तों एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ किसान मित्रों का ये सवाल रहता है कि अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं, हम तो नॉर्मली इन जनरल 60 दिन के बाद में स्प्रे करते हैं, स्प्रे कर देंगे तो बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। भैया अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी लहसुन हो सकता है 60-65 दिन 70 दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएँ। जब आप पहले स्प्रे करते थे नॉर्मल दूसरे मौसम में या पिछले वर्ष अगर आपने 70 दिन में किया था और अभी आपकी लहसुन 40 दिन की हुई है और मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है तो हमें स्प्रे करना कहीं नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि तब तक के लिए आपकी लहसुन जो है वो रहनी भी तो चाहिए, रहेगी तभी ना आप 70 दिन में स्प्रे करेंगे, क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे। कुछ किसान मित्रों का एक और सवाल है कि जड़ के अंदर जो सफ़ेद वाले जो कीड़े लग रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जड़ के अंदर कीड़े 2-3 प्रकार के लगते हैं। एक निमेटोड्स होता है जो हम उनको अपनी इंसानी आंखों से तो नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। पर दोस्तों इस वीडियो के ऊपर अगर आप 2000 लाइक लेके आते हैं तो मैं आपको नेमेटोड्स के ऊपर और घेर जमीन के अंदर घेरे बैठने की जो समस्या है उसका क्या कारण है, किस प्रकार से हम सावधानी ले सकते हैं। इलाज तो नहीं है मेरे पास, पर सावधानी वाला मेरे पास चीज़ें हैं कि आपके अगर आप खेत में अगर घेरा बैठ रहा है, अगर आप वो दवाई उपयोग कर लेते हैं तो वो जो बीमारी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, रिकवरी होना तो संभव नहीं है, पर वो चीज़ें मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ। बट ये है कि आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप, और साथ ही किसानों तक शेयर करके इस वीडियो को लगभग 2000 से 3000 लाइक इस पर लेके आइए, तभी मैं आगे आने वाला वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। और दोस्तों एक और फंगस जीनेट वाले जो हैं कीड़े हैं वो भी हैं, कहीं कहीं पर बल्ब मैगट भी हैं, तो इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों अभी बेस्ट कौन सा यहाँ पर टॉनिक रहेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो लहसुन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पौधे जो हैं वो पतले पड़ना शुरू हो गए, फंगस आना शुरू हो गई है और अभी इसको थोड़ी क्षमता चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई भी एमिनो बेस्ड और ह्यूमिक बेस्ड कोई भी टॉनिक उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर सीविट वगैरह भी हो। देखा जाए तो बेस्ट कौन सा रहेगा तो आप ओमेक्स कंपनी का जो Bio20 आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बायोविटा लिक्विड आता है, ह्यूमिसिल का लिक्विड आता है वो भी उपयोग कर सकते हैं, टाटा का बाहर आता है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, पोषक वगैरह भी आप उपयोग कर सकते हैं, और मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट वाले जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट वाले आजकल मिक्सचर जो आ रहे हैं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। BASF में जाएंगे तो आपको लिबरल TMX2 का प्लस TMX2 के नाम से आएगा, टाटा में जाएंगे तो सरप्लस के नाम से आएगा, जो भी आपको समय से मिल जाए आप उपयोग कर सकते हैं। बस यह रहे कि थोड़ा सा लिमिट में उपयोग करें, बहुत ज़्यादा आपके पौधे की हाइट बढ़ा सकता है, ग्रोथ बढ़ा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो पौधा हाइट पकड़ लेगा, तो जब हाइट पकड़ लेगा तब होगा क्या कि पौधा अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो तने को पोषित करने में निकाल देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों एक और चीज़, मैंने एक YouTube के ऊपर फेसबुक के ऊपर मैंने एक ग्रुप बनाया है, वहाँ पर हम जितने भी किसान हैं उनसे वहाँ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप अपने खेत के फ़ोटो अन्य साथी किसानों तक शेयर कर सकते हैं, तो उस ग्रुप का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी काफ़ी सारी छोटी छोटी जो अपडेट्स हैं वो डालता रहता हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।